बहुभाषी। अपने विभिन्न प्रांतों में भाषाई विविधता को देखकर सम्राट अकबर को अपने दरबार में एक बहुभाषी व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। वह अपने दरबार में एक बहुभाषी व्यक्ति रखना चाहता था और जिसकी सहायता से वह अपनी प्रजा से संवाद कर सके। उन्होंने अपने मंत्रियों को एक ऐसे बहुभाषी को खोजने का आदेश दिया जिसका विभिन्न भाषाओं पर अच्छा अधिकार हो। मंत्रियों ने सैनिकों की सहायता से अकबर के आदेशों को राज्य के कोने कोने में प्रसारित करवा दिया। कुछ दिनों के बाद अकबर के दरबार में एक व्यक्ति उपस्थित हुआ। उसने अकबर को सलाम करते हुए कहा, जहां अपना, मैं कई भाषाओं का अच्छा जानकार हूं, आप मुझे बहुभाषी पद पर नियुक्त करें। उसकी परीक्षा लेने के लिए अकबर ने अपने दरबारियों से अपनी अपनी भाषा में उससे बात करने को कहा। एक एक करके दरबारियों ने बहुभाषी व्यक्ति से अपनी भाषा में प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। बहुभाषी व्यक्ति ने सभी को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया। भाषा पर उनकी पकड़ से अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने दरबार में एक बहुभाषी व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया और उससे कहा, हम आपके भाषा ज्ञान से बहुत प्रभावित हैं। आप हर भाषा में इतने पारंगत हैं कि ऐसा लगता है कि आप अपनी ही भाषा बोल रहे हैं। हम आपको अपने न्यायालय के बहुभाषी व्यक्ति के रूप में नियुक्त करते हैं, लेकिन हमें यह जानने की भी उत्सुकता है कि आपकी मातृभाषा क्या है। इस पर बहुभाषी ने कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं। क्या उनमें से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? दरबारियों ने अपने अनुमान के आधार पर बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी का अनुमान सही नहीं निकला। यह देखकर वह बहुभाषी हंसा और बोला, जहां अपना, लगता है मैंने गलत सुना है, यहां कोई भी बुद्धिमान नहीं लगता। इस बात पर अकबर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिन्होंने अभी तक बहुभाषी की भाषा समझाने की कोशिश नहीं की थी। अकबर को अपनी ओर देखता देख बीरबल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहां अपना, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि इस बहुभाषी व्यक्ति की भाषा क्या है। उस रात बहुभाषी को शाही अतिथि गृह में ठहराया गया। अगले दिन वह फिर अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर ने बीरबल से पूछा, हां बताओ बीरबल, उनकी मातृभाषा क्या है? इस पर बीरबल ने कहा, हुजूर, उनकी मातृभाषा बांग्ला है, आप उनसे पूछिए। जब अकबर ने बहुभाषी व्यक्ति से पूछा तो वह सहमत हो गया। अकबर को आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने अपनी मातृभाषा कैसे पहचान ली। पूछने पर बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात मैंने अपने एक नौकर को शाही अतिथि गृह के बाहर भेजा। वह नौकर वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सज्जन उस समय सो रहे थे। चीखने की आवाज सुनकर वह जाग गया और बाहर आकर गुस्से में चिल्लाने लगा। उस समय वह जो भाषा बोल रहे थे वह बांग्ला थी। मैं पास के कमरे में छुपकर सब सुन रहा था। मैं समझ गया कि उनकी भाषा बांग्ला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितनी भी भाषाएं क्यों न जानता हो, जब वह गुस्से में होता है या मुसीबत में होता है तो अपनी भाषा में चिल्लाता है। बहुभाषी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। अकबर शर्मिंदगी से बच गया